हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रवि। मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है आपको टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम इसमें जानेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लीजिए। यस, ओपन हो गया। जैसे देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टेक्निकली रवि। जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको ये इंस्टा हाईलाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ से फॉलोइंग आ रहे हैं, आपका एंगेजमेंट कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपका अटेंडेंस कैसे है। यस, ये सारी एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बाजू में आपके आता है ऑडियंस, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस कहाँ के है, आप कौन से मेल है फीमेल है। अभी हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे आपका सेटिंग में आपका सिक्योरिटी में ओपन करेंगे, उसमें आपको लॉगिंग एक्टिविटी करके एक फीचर्स है कि जब आपको किसी को लगता है ना कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई और यूज़ करा है या कहाँ यूज़ करा है, तो इसमें आपको सारे दिखेंगे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कौन यूज़ करा है, कौन से फ़ोन में और कहाँ पर लॉगिंग एक्टिविटी में A to Z। फिर ये प्राइवेसी में है, जिसमें आपका अकाउंट प्राइवेसी में, अकाउंट प्राइवेसी पब्लिक में ही होना चाहिए, फ्रेंड्स या प्राइवेट में नहीं होना चाहिए, पब्लिक में ही होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस, इसके बाद यह हमने अकाउंट ओपन किया, उसमें आपको नीचे देखिए थर्ड पोर्शन पे लास्ट में रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन करके है, आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का प्रोफाइल ओपन करना है। उसके बाद आपको नेट स्लो है थोड़ा वेरीफाई होने में। उसके बाद देखिए ऊपर आ गया यूज़र नेम टेक्निकल रवि 01, इसमें आपका फुल नेम जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है रवि गुप्ता तो मैं डाल दूँगा रवि गुप्ता। ये मैंने फिर नो यस आपके बारे में, आप यूट्यूबर हो कि जो भी है, यूट्यूबर म्यूजिशियन एक्टर जो भी है, तो आप इधर नो यस के बारे में, तो जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने यूट्यूबर डाल। फिर आपका सिलेक्ट कैटेगरी और अकाउंट, जो आपको पॉलिटिशियन जो आप जो भी म्यूजिशियन एक्टर इंटरटेनमेंट ब्लॉगर, तो इधर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर में डालें। ब्लॉगर में क्लिक करके आपका इधर अटैच फोटो आईडी, जिसमें आपको वोटर आईडी या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपका वोटर आईडी गवर्नमेंट से इशूट किया हुआ, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद भेज देना, आपका रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन 2 से 3 दिन में हो जाएगा।